उन्होंने भेजा। हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे, उन्होंने हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा, तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने तो मुझे क्या पता, भगवान जाने। तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। भगवान राम के काल में रावण हुआ, उसका अंत सन्यासियों के द्वारा करवाया गया। भगवान जब हमारा द्वापर युग था, जब कंस हुआ तो उसका अंत करवाने के लिए पुनः संत आए, जिनको कंस ने जेलों में ठूस रखा था। ऐसे संतों का, ऐसे सन्यासियों का शाप लगा और वो शाप उसको अंत तक ले गए और भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया। ऐसी ही आसुरी शक्तियां जब यहां व्याप्त हो गई, 2008 में जब मैं जेल गई, पूरा दृश्य मुझे समझ में आया, और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म विरुद्ध गई, सूत्रधार ये है।